विविधता का दर्पण। एकता की मूरत और लोकतंत्र की जननी। यहाँ गणतांत्रिक व्यवस्थाओं के उदाहरण है वेदों में। वैशाली की गढ़ परिषद के उद्र कूचों में, आचार्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में, उत्तरा मेरुर के शिलालेखों में वर्णित, चोल साम्राज्य के पंचायत व्यवस्था में, भगवान विश्वेश्वर की अनुभव मंडपम की धारणा में, गढ़, सभा, गणपति, समिति, लोकपाल जैसे शब्द भारत में हजारों साल से अस्तित्व रखते हैं। स्वरूप बदलता रहा, संस्कार नहीं। बदलते वक्त के साथ भारत बना विश्व का सबसे विशाल लोकतंत्र। जिसका साक्षी बना हमारा संसद भवन। करीब एक शताब्दी पहले 1927 में औपनिवेशिक हितों के लिए एक काउंसिल हाउस बना। देश आजाद हुआ, ये भारत की संसद बनी और यहीं से शुरू हुई एक नए भारत के लोकतांत्रिक युग की शुरुआत। संसद एक आत्मकथा में कहानी पुराने संसद की। With destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. हमारे पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं वो कोई ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि लोकतंत्र का धड़कता हुआ दिल है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मंदिर है। भारत का इतिहास है, भारत का गौरव है और दुनिया के लिए एक पाठ भी। लेकिन वक्त बदलता है, इतिहास बदलता है और बदलता है स्वरूप भी। लोकतंत्र के मंदिर का अब स्वरूप बदलने जा रहा है। नई इमारत बनकर के तैयार है, लेकिन इतिहास बदलता है, स्वरूप बदलता है, नहीं बदलता तो वो है लोकतांत्रिक संस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश संसद एक आत्मकथा। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. Not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. भारत की लोकतंत्र की आत्मा। दुनिया के लोकतंत्र का आईना। हिंदुस्तान के धड़कते लोकतंत्र की दुनिया में पहचान। लेकिन लोकतंत्र की इस इमारत को अब नया रंग मिलने वाला है। लेकिन सिर्फ इमारत बदल रही है, आत्मा नहीं। नए इमारत में लोकतंत्र की नई इबादतें लिखी जाएंगी, लेकिन पुरानी संसद की भी अपनी कहानी है। वो कहानी जो 1926 में शुरू हुई, 1952 में जिसे विस्तार मिला और 18 सितंबर 2023 को जिसके इतिहास का आखिरी पन्ना लिखा गया। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहे। 144 खंभों पर खड़ी आसमान को तकती गोल सी एक इमारत जिसने हिंदुस्तान की इबारत लिखी, इसे 96 बरस पहले अंग्रेजों ने बनवाया था। चाहत थी अनगिनत सालों तक हुकूमत की, पर हुआ भारत का, भारत से, भारत के लिए। 12 दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में दिल्ली को देश की राजधानी बनाने की घोषणा की, जिसके बाद 1912 में अंग्रेजों ने दिल्ली शहर की नींव रखी और इसे देश की राजधानी बनाने की शुरुआत कर दी गई, जिसे ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की योजना बनवाई और इसी के शुरू हुआ हमारी पहली संसद के निर्माण का काम, जिसकी नींव पड़ी साल 1921 में। शुरुआत में नई दिल्ली में संसद भवन के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन बाद में हर्बर्ट बेकर ने संसद भवन का डिजाइन तैयार किया जिसमें सर लुटियंस का भी योगदान था और इन्हीं के नाम पर आज दिल्ली के एक हिस्से को लुटियंस जोन कहा जाता है। शुरुआत में हमारी संसद को काउंसिल हाउस नाम दिया गया। 12 फरवरी 1921 तत्कालीन काउंसिल हाउस का उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनाट और भारत के तत्कालीन गवर्नर ने किया, जिसमें 64 गोल खंभे थे। करीब 6 साल बाद 18 जनवरी 1927 को काउंसिल हाउस का उद्घाटन तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया। तब हमारी संसद को बनाने में करीब 83 लाख रुपए का खर्च आया था। तब 10 ग्राम सोने की कीमत 18 रुपए हुआ करती थी। मूक बधिरों को सुनाने के लिए हमारी संसद धमाकों की गवाह भी बनी। काउंसिल हाउस के उद्घाटन के ठीक 2 साल बाद यानी 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली के प्रेसिडेंट विट्ठल भाई पटेल ने ट्रेड डिस्प्यूट बिल जैसे ही पारित किया, ठीक उसी वक्त एक देश धमाका हुआ। उस वक्त दोपहर के करीब 12:30 बजे थे, सदन धुएं से भर गया और विस्टल गैलरी में 2 क्रांतिकारी युवा पंपलेट फेंकते हुए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। उन दोनों युवाओं के नाम थे बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। क्रांतिकारियों ने बताया कि उन्होंने बहरों तक आवाज पहुंचाने के लिए ये धमाका किया है और इसी तरह हमारी संसद धमाकों की भी गवाह बनी। 14 अगस्त 1947 रात 11 बजे वो ऐतिहासिक रात और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का ऐतिहासिक भाषण, वो एक पल था और एक आज का पल। हमारी संसद करीब 14 प्रधानमंत्री देख चुकी है और न जाने कितने ही ऐतिहासिक पलों की गवाह बनी। We made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज हमारा पुराना संसद भवन एक इतिहास बन चुका है, लेकिन इसी इमारत में कई इतिहास भी लिखे गए जिनका सीधा ताल्लुक देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से था। आगे हम संसद के उन गौरवशाली पलों को भी याद करेंगे जिनके जिक्र से आज भी हमारा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। सत्ताईस में बनकर तैयार हुए हमारे संसद भवन में लोकसभा का पहला सत्र 1953 में हुआ था और अंतिम सत्र 18 सितंबर 2023 को। 96 साल के इस लंबे सफर ने एक बड़ा इतिहास समेट कर रखा है। इस दौरान बहुत से उतार चढ़ाव आए, संसद के इस भवन के अंदर देश के तमाम नीतिगत फैसले लिए गए। आइए आपको दिखाते हैं कि इस लंबे सफर में इस संसद ने कौन से उतार चढ़ाव देखे और कैसा रहा इसका सफर। With all modesty, we can say that we have done this action well. कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ, हम सबकी साझी स्मृतियां हैं।
हमारी गौरवपूर्ण लोकतांत्रिक इतिहास का साक्षी हमारा पुराना संसद भवन कई प्रधानमंत्रियों और उनके ऐतिहासिक फैसलों का गवाह रहा है, जिसका पहला अध्याय पूर्व पीएम शास्त्री जी ने लिखा था जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा। साल 1965, हिंदुस्तान तब जंग में उलझा था, पूरे देश में खाद्यान्न की कमी हो रही थी और अमेरिका ने धमकी दी थी कि वो भारत में खाद्यान्न के निर्यात रोक देगा अगर युद्ध नहीं बंद किया गया तो। लेकिन अधिक हौसलों वाले लाल बहादुर शास्त्री तब हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने तब संसद में खड़े होकर देश से अपील की, आप लोग एक हफ्ते एक दिन का खाना छोड़ दें, ये वक्त जल्दी निकलेगा, आप सब सहयोग करें। जरा सोचिए, जैसे संयुक्त परिवार का एक ठिकाना होता है, संसद वही छत थी जिसके नीचे खड़े होकर देश के मुखिया ने आह्वान किया और पूरा देश शास्त्री जी के साथ खड़ा नजर आया। साल 1971 का वो दौर भी संसद ने देखा जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा में ऐलान किया कि बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना ने बिना शर्त सरेंडर कर दिया है, तो पूरा सदन मेज की थपकियों से गूंज उठा। मॉर्निंग अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान हैज डिक्लेयर्ड वॉर अपॉन अस। ऑल द वर्ल्ड एडमायर्स अ डीड वेल डन एंड आई थिंक विद ऑल मॉडेस्टी we can say that we have done this action well. 25 जून 1975, हमारी संसद भवन ने तमाम गौरवशाली और ऐतिहासिक पल देखे, तो एक पल ऐसा भी आया जब लोकतंत्र के कालो पन्नों की गवाह बनना पड़ा। 25 जून 1975 का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के लिए किसी काले पन्ने से कम नहीं है, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की घोषणा की। गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए कि हम एकता और स्थायित्व की रक्षा करें, राष्ट्र की अखंडता के लिए कठोर कार्रवाई करना जरूरी है। साल 1984, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब अपने बाल्यकाल से निकलकर अपने पैरों पर खड़ा हो रहा था, देश तेजी से तरक्की के पथ पर आगे बढ़ रहा था और इसी दौर में हमारी संसद गवाह बनी उस ऐतिहासिक पल का भी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के परमाणु हथियारों से संपर्क होने का ऐलान किया। पोखरण 2 कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं था, कोई पुरुषार्थ के प्रकटीकरण के लिए नहीं था, लेकिन हमारी नीति है और मैं समझता हूं ये देश की नीति रही है कि मिनिमम डिटरेंट होना चाहिए, वो क्रेडिबल भी होना चाहिए। हमारे पुराने संसद भवन ने नेहरू शास्त्री युग से लेकर इंदिरा और अटल तक के दौर को देखा, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीरें और कई अहम फैसलों की गवाह बनी ये इमारत। फिर दौर आया मोदी युग का, जब हमारी संसद ने धारा 370, जीएसटी, ट्रिपल तलाक और एनआरसी जैसे बड़े बदलाव की गवाह बनी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जहां भगत सिंह ने बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके किए, जहां पर नेहरू का आधी रात को ट्रस्ट विद डेस्टिनी यानी कि नियति से साक्षात्कार गूंजा, जहां लाल बहादुर शास्त्री ने लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने को कहा, जहां इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के घुटने टेकने की खबर सुनाई और जहां अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा, ऐसी पलों का गवाह बना ये संसद। इतना ही नहीं, धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथाओं को खत्म होने का गवाह बना ये संसद भवन। आज उसी संसद भवन में अपने अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री मोदी काफी भावुक नजर आए। पुरानी संसद में पीएम मोदी ने 75 सालों के इतिहास को याद किया। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय,
उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण वन नेशन वन टैक्स जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफल। पुरानी संसद में पुराने पलों को याद कर भावुक हो गए पीएम मोदी। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती। पीएम मोदी ने रेलवे प्लेटफॉर्म से संसद तक के अपने सफर को याद किया। भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। प्रधानमंत्री मोदी ने पुराने संसद भवन में 50 मिनट का अपना आखिरी भाषण दिया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आजाद भारत के 75 सालों के इतिहास को याद किया। सदन में आजाद भारत की उभरती हुई तस्वीर रखी और देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया। अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है। पुरानी संसद में अपने दिए भाषण में प्रधानमंत्री कभी सभी प्रतिनिधियों, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व स्पीकरों के योगदान को याद करते हुए गर्व महसूस करते हुए दिखाई दिए, तो कभी एक पल ऐसा आया जब प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने उन पलों को याद किया जब वो पहली बार संसद पहुंचे थे और संसद की चौखट पर शीश नवाया था। वो तारीख थी 20 मई 2014, जब संसदीय इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी ने संसद भवन की चौखट पर माथा टेका। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र के मंदिर के द्वार पर सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया था। वो पल कई लोगों के लिए बेहद भावुक कर देने वाला था। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र की ताकत को बताते हुए अपने रेलवे प्लेटफॉर्म से संसद तक के सफर को याद किया। मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्षी पर अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवीय की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि देश मुझे इतना सम्मान देगा,
इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा, सोचा नहीं था। प्रधानमंत्री ने आजाद भारत के इतिहास के हर लम्हे को याद किया। उन्होंने संसद में बने रिकॉर्ड और कई ऐतिहासिक फैसलों का जिक्र किया। अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा, इस सदन के कारण। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण, कोई विवाद के बिना पहली बार देश में करने में सफलता। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद पर हुए आतंकी हमलों को याद किया। उन्होंने उन सुरक्षा कर्मियों को याद किया जिन्होंने इस हमले में अपनी जान गंवाई। उन्होंने उन पत्रकारों का भी जिक्र किया जिन्होंने जीवन भर संसद की रिपोर्टिंग की। लोकतंत्र का यह सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। प्रधानमंत्री मोदी ने हर उन मुद्दों का जिक्र किया जिससे भारत बना है, हर उस पल को साझा किया जिसे भारत ने महसूस किया, हर उस उपलब्धि को बताया जिसे भारत ने हासिल किया और हर उस संकल्प को दोहराया जिसमें भारत का विकास हुआ। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। वी मेड अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज।